सामिन नाज़रीन, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी बेहतर सेहत के लिए, आपको मुख्तलिफ छोटी और बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए और आपके रवैयों में बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ वीडियोस के सिलसिले को जारी किए हुए हैं। इसको देखिए, सुनिए और अच्छा असर होगा यकीनन आपकी सेहत के ऊपर। हम वर्जिश के बारे में आपको बता रहे थे कि इससे किस तरह से स्ट्रेस दूर होता है, दिल की सेहत बेहतर होती है, रगों में बेहतरी आती है और दौरान खून जो है ना बेहतर होता है इंसान का। तो बच्चों और नौजवानों के मुशाहदे से भी वर्जिश के मुफीद असरात का इल्म हो सकता है। बच्चों की आदतें और अतवार गैर मसनू होते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल कोई भी काम जो है ना ऐसे नहीं करते जानबूझ के, बल्कि ये कि एक उनके अंदर कुदरती चीज़ होती है कि वो जो भी काम करते हैं बिल्कुल अपने जिस्म के तकाजों के ज़ेर असर करते हैं। अगर बच्चे देर तक साकित बैठे रहें तो थोड़ी देर में आपने देखा होगा कि वो मचलने लगते हैं। ये इनके जिस्म का हमेशा नशीनी के ख़िलाफ़ यानी बैठे रहने के ख़िलाफ़ रद्द अमल है। इस सबब से ही आपने देखा होगा कि बच्चों के स्कूल और घरों में तालीम के दौरान खेल कूद के वक्फे बहुत ज़रूरी होते हैं। एक खातून जो नौजवानों की असलाही और बहाली के मरकज़ में काम करती हैं, वो कहती हैं हमारे मुख्तलिफ जिस्मानी मशक्क़तों का एहतमाम है जिसके करने से मेरा और बच्चों का जो कि उनके साथ जिनकी वो क्लास लेती हैं स्ट्रेस तनाव कम और तवानाई ज़्यादा होती है। तो वो ये कहती हैं कि वर्जिश से कब बच्चे जो है ना बहुत ही हैजान के आलम में होते हैं और वर्जिश करना भी नहीं चाहते, वो बहुत उनको स्ट्रेस हो रहा होता है। लेकिन और ज़ाहिर है कि जब बच्चे इतना नाफरमानी कर रहे होते हैं तो टीचर जो होते हैं वो भी झुंझलाई हुई होती है। लेकिन होता ये कि जो ही एक्सरसाइज शुरू होती है और तो टीचर का भी तनाव और वो जो है जो कैफियत कर्ब की हो रही होती है वो भी दूर हो जाती है, बच्चों का रवैया भी बेहतर होता है और इससे इज़्ज़त नफ्स में भी इजाफा होता है। नौजवान जवान और मअम्मर यानी कि बूढ़े लोगों के लिए भी, सीनियर लोगों की भी वर्जिश ज़रूरी है। वर्जिश का मिजाज पर खुशगवार असर होता है और आम नफसियाती बीमारियों की असलाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इससे परेशानी, तनाव, बदहवासी जैसे लोग बदहवासी में उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं कम और तवानाई ज़्यादा होती है। बिलवास्ता ये सुकून बख्श और जो लोग सुकून की दवाएं लेते हैं इसका बेहतरीन नेमुल बदल है। यानी जब आप चहलकदमी करते हैं, जब आप वॉक करते हैं तो ये कुदरती मकवी टॉनिक है जो किसी भी वक्त आपके अपने अख्तियार में किसी वक्त भी ली जा सकती है। अच्छा, ये अफसर्दगी में मुब्तला जो एक खातून ने अपनी कहानी सुनाई कि मुझे एहसास हुआ कि मेरी अफसर्दगी इस वक्त ज़्यादा नुमायाँ होती है जब मैं थकी हुई होती हूँ। क्योंकि थकन रफा करने के लिए वर्जिश मुफीद है, इसलिए अब जब भी अफसर्दगी तारी होती है मेरे ऊपर, यानी इंसान अपने हालात के ज़ेर असर बहुत ही अफसरदा होता है, मैं फौरन जिम का रुख करती हूँ। सुबह के वक्त मैं अक्सर अफसरदा होती हूँ क्योंकि इस वक्त कोई ख़ास काम भी नहीं होता, इसलिए मैंने अपने आप को जिम में मसरूफ़ कर रखा है। असर के वक्त की अफसरदगी में भी चहलकदमी मुफीद है। अब मैंने जो वो वाली दवाएं जो कि सुकून पहुंचाती थी वो सब के सब तर्क कर दिए हैं और एक्सरसाइज पर और वॉक पर मैंने एतबार कर लिया है। सिर्फ 10 मिनट की चहलकदमी से नाकाबिल यकीन फ़ायदा होता है। खबरदार, ये भी बात एक बात आपको बता दें कि अफसरदगी में मुब्तला अफराद बग़ैर भी तिब्बी मशवरे के इस तरह की अद्वियात को तर्क न करें कि ये ख़तरनाक भी हो सकता है। यानी कि जो समझ रहे हैं कि नफसियाती डॉक्टर के ज़ेर इलाज हैं वो कभी भी अपने तौर पे कोई भी दवा तर्क ना करें और कोई भी दवा ना लें जब तक कि उनका डॉक्टर उनको मशवरा ना दे। और ये भी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं कि अगर मैं इस तरह से चहलकदमी करती हूँ या करता हूँ और इस तरह से मैं वॉक करती हूँ तो मुझ में बेहतरी के आसार हो, तो वो खुद आपकी दवा को कम कर देंगे।
वर्जिश और एक्सरसाइज के लिए बेहतरीन वक्त जो है ना वो अलग सुबह का है, जब कुदरती तौर पर दर्जा बदर्जा तवानाई में इजाफा हो रहा होता है, आपके अपने जिस्म की तवानाई में और पूरी कायनाती तवानाई में इजाफा हो रहा होता है जब सूरज बाहर निकल रहा होता है। इस वक्त तबीयत भी रागिब होती है कि आप अपने हाथ पैर चलाएं, आप उठें, अपने काम करें, दीगर मसरूफियात भी कम होती हैं, असर का वक्त भी दुरुस्त है, यानी कि जो बाद में जो टाइम होता है यानी कि 3-4 बजे, उस वक्त भी आप वॉक कर सकते हैं और ये वॉक तेज़ रफ्तारी से हो। शुरू में तवील वर्जिश ना करें, आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करें, यानी मुख्तसर, अगर आप हल्के कदमों से भी चल रहे हैं तो वो भी तवानाई में इजाफा हो सकता है। आहिस्ता खरामी के दौरान ही तेज़ चलने के लिए दिल चाहेगा, जो ही आपका दिल चाहेगा कि ज़रा तेज़ चलें, रफ्तार रफ्तार 20 मिनट की तेज़ कदमी की आदत हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसर चहलकदमी गो फौरी तौर पर मुसर है, लेकिन तवील चहलकदमी बेहतर इसलिए है कि इसके ज़्यादा मुफीद असरात होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आप वॉक करेंगे तो कम अज़ कम 1 घंटे की एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। हवादार वर्जिश ज़्यादा बेहतर है, जिसमें ऑक्सीजन, यानी आप बाहर निकल के अगर एक्सरसाइज करें, बाहर निकल के वॉक करें, इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग़ज़ाई जो चीज़ें होती हैं और रोगनियात यानी कि ऑयल, विटामिन, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्रोटीन वगैरह, इनका जो ये चीज़ें जो है ना जिस्म का हिस्सा बनती चली जाती हैं और तवानाई आती जाती है। ना हमवार ना हवादार वर्जिश यानी कि बग़ैर ऑक्सीजन के अगर आप कमरे में चले फिरें, इंतहाई तेज़ रफ्तारी से 2 मंजिल चढ़ने या 50 गज़ दौड़ने से जिस्म के पट्टे तन जाते हैं, तवानाई फराहम करने वाले अज्जा ग्लाइकोजन वगैरह कम और लैक्टिक तेजाब की कसरत होती है जिससे थकन होती है जो नामनासिब है। वर्जिश को अस्तूब ज़िंदगी में दाखिल होना चाहिए, किसी का साथ हो या आपके पास कोई आपके पास कोई इस तरह का आला हो कि जिससे आप कुछ सुन सकें या अपनी कोई पसंदीदा चीज़ सुन सकें, तो अगर आप वो कान में लगा लें तो उसमें भी वक्त अच्छी तरह गुजरता है। आप कोई दुआ पढ़ रहे हैं, कोई विर्द कर रहे हैं, उसमें भी बड़ा अच्छी तरह वक्त गुजरता है। उसमें तफरीका अंसर भी शामिल होना चाहिए, एक्सरसाइज ऐसी हो जिसके आप मुंतज़िर हों और जिससे आप लुत्फ़ ले सकें। अगर ये बाई से लुत्फ़ नहीं है और इससे तकलीफ़ हो तो फिर मसला पैदा हो सकता है। और कोशिश कीजिए कि शुरू आप करें 5 मिनट की वॉक से, फिर 10 मिनट करें, फिर 20 मिनट करें, फिर आप आधे घंटे की वॉक आराम से कर सकते हैं। उसमें आपको तवानाई ज़्यादा मिलेगी और थकन जो है ना, आपके थकन, स्ट्रेस और दिल की हालत बेहतर हो जाएगी।